अस्सलाम वालेकुम नाजिन, हमदाज़ किचन में खुश आमदीद। मैं हूं आपका शेफ हमदा शौकत, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ और एक नई रेसिपी के साथ। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे चना पुलाव, अभी बिल्कुल देख जैसा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी होना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की। चना पुलाव बनाने के लिए 2 किलो चावल लेंगे, 1 पाव बॉयल चने, 1/2 किलो प्याज, 1 पाव टमाटर जो कि क्यूब कट कर लिया हुआ है, नमक लेंगे 1.5 चम्मच, ग्रीन चिलीज़ हरी मिर्च लेंगे 6 से 7 अदद जिसे सेंटर से ये देखें कट कर लिया है, हल्दी लेंगे सुनहरा कलर देने के लिए 1/2 चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर हम लेंगे 2 चम्मच। गरम मसाले साबुत में हम लेंगे करी पत्ता है हमारे पास, दालचीनी का टुकड़ा है, काली मिर्च है और ज़ीरा है। गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच लेंगे, 1/2 लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, 3 बड़े चम्मच ये देखें जो ऑयल के मैं ले रहा हूँ जो कि ऑलमोस्ट 1.5 कप बनेगा, ये शामिल कर देंगे इस तरह से। और फ्लेम को हम हाई कर लेंगे, हाई इसलिए कि अब इसमें हम प्याज शामिल करेंगे जो कि हमने जूले कट कर लिया हुआ है। फ्लेम हाई इसलिए करेंगे कि हम इसमें जो है प्याज को है हमें इसे ब्राउन करना है, ब्राउन करने के लिए हम फ्लेम को हाई कर देंगे क्योंकि प्याज थोड़ा टाइम लेता है ब्राउन होने में, और जल्दी ब्राउन करने के लिए हम इसमें चुटकी भर नमक भी शामिल कर सकते हैं। ये देखें 4 मिनट बाद ये देखें ज़रा ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हुए हैं, इसे और हम डार्क ब्राउन करेंगे इस तरह से। ये देखिए डार्क ब्राउन हो गए हैं, अब 5 मिनट लगे हैं ऑलमोस्ट। अब इसमें हम गर्म मसाले शामिल करेंगे जो कि साबुत हमने लिए थे, इसमें आप बादियान का फूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मेरे पास मौजूद नहीं था तो इसलिए मैं नहीं कर रहा, आप वो भी यूज़ कीजिएगा, उसके भी एक महक बहुत मज़े की आती है, बहुत अच्छी एक खुशबू अरोमा देता है वो। और अब इसमें हम क्यूब कट जो हमने टमाटर किए हुए थे ये शामिल करेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार चावल बनने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अगर हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे ये होता है कि ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है और मोटिवेशन मिलती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 लहसुन का पेस्ट जो कि 2 चम्मच है, और अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ठीक हो गया जी, बिल्कुल इसी तरह हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक 1.5 चम्मच मैंने लिया है, आप हसबे ज़ायका रख सकते हैं क्योंकि कुछ लोग जो है वो नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग कम करते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च और 1/2 चम्मच अब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे हल्दी जो कि सुनहरा कलर भी देगी और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 चम्मच और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए अब मसाला बनना स्टार्ट हो गया हुआ है और टमाटर भी जो है हमारे क्यूब कट में थे वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए हुए हैं, लेकिन मज़ीद सॉफ्ट करने के लिए हम इसमें पानी शामिल करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, मैं 2 से 3 चम्मच कह लें कि मैंने पानी शामिल किया है इसमें, इसे मज़ीद जो है मसाला अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा जो कि टमाटर थे वो अच्छे से मैश हो जाएंगे। इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम कुक कर लेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे चने जो कि 1 पाव लिए हैं, आप 2 किलो में 1.5 पाव से 1/2 किलो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे घर में इतने ज़्यादा चने नहीं खाए जाते चावलों में, मतलब पसंद नहीं किए जाते, तो इसलिए मैं कम ही डाल रहा हूँ। चने को बॉईल करने के लिए मैंने इसमें मीठा सोडा और थोड़ा सा नमक डाला था थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए, वैसे वो बहुत ही फीका फीका लगता है और इसे भी अच्छे से
ये देखें ज़रा, भुनाई कर लेंगे इसकी 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो कच्चापन है चने का वह भी ख़त्म हो जाए। और गाइस मैंने चावल जो है मैंने लिए थे 2 kg कायनात के थे, और इसे मैंने भिगो दिया। हमारे घर एक गिलास है स्टील का, जो कि आधा किलो का है, वो मैंने 4 से 4.5 गिलास लिए थे, और उसी के हिसाब से अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे 8 गिलास, यानी कि 4 लिए थे तो उसके डबल कर लिए, 8 गिलास पानी शामिल करेंगे। यही वो गिलास था जिसके हिसाब से मैंने चावल लिए थे, 8 गिलास पानी शामिल कर लिए, और इसे बॉईल आने तक हम चावल नहीं डालेंगे इसमें। तो गाइज़ ये देखें, इसे मैंने ढक दिया था और इसमें अच्छे से बॉईल आ गया हुआ है। अब हम इसमें चावल शामिल कर लेंगे जो कि हमने भिगोए हुए थे, 10 से 15 मिनट पहले भिगोए थे, ज़्यादा देर भी नहीं भिगोए मैंने इसे। इस तरह से चावल शामिल कर देंगे, ये देखिए, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस स्टेप पर आकर अब जो है हम ग्रीन चिलीज जो हैं इस स्टेप पर डालेंगे, जो कि हमने इस तरह से कट कर लिए। कट करने से ये कि अच्छे से अंदर तक मसाला चला जाता है। और अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच अचार, खट्टा फ्लेवर देने के लिए। ये भी ज़रूरी है, आप इमली भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, आलू बुखारा ऑल्सो। तो जी अब इसमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अचार डालने के बाद आप इसका नमक भी टेस्ट कर लिया करें, नमक टेस्ट कर लिया करें। और इसमें इस स्टेप पर ही आप जो है नमक भी ऐड कर सकते हैं अगर कम हो तो। और अब हम इसे ढाँप देंगे और इसे इसका पानी ड्राई होने तक वेट करेंगे। ये देखें जी गाइस, 8 से 10 मिनट में ये देखें पानी जो है हमारा ड्राई हो गया हुआ है काफ़ी हद तक। तो गाइस ये देखें, पानी अच्छे से ड्राई कर लेंगे, और आपको शायद पता हो कि तब तक दम नहीं देते जब तक पानी अच्छे से ड्राई ना हो जाए। तो इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और फिर अब हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। इस तरह से 8 से 10 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें हमारा जो चावल जो है चना पुलाव बिल्कुल देख जैसा रेडी हो गया हुआ है। और अब हम इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स इस तरह से करना है कि चावल जो है वो टूटे ना। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं शक्ल से अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे इस तरह से। तो गाइस आप, आगे रमज़ान आ रहा है, आप इफ्तारी में बना सकते हैं, मेहमान आए तब बना सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।